Let's solve numerical number 6 to 10. 6 data already I have written. Read the numerical. 6th is talking about that calculate the mass of a non-volatile solute. Molar mass is given. W2 is asked. Dissolved in 104 gram of octane. That means it is weight of a solvent. Let P0 is equal to 100. So the vapor pressure of a solution is reduced down to 80%. So that is going to be 80. अब फॉर्मूला क्या है इसका सबको मालूम है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू बराबर है एज द ओवर हियर द वेट ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी वेरी हाई तो मोल फ्रैक्शन 2 इसको ब्रेक किया तो क्या मिला N2 बाय N1 प्लस N2 राइट नाउ वी नो W2 फाइंड आउट M2 मालूम है P नॉट मालूम है P मालूम है P नॉट मालूम है N2 मिल जाएगा W2 नहीं मिलेगा कोई बात नहीं N1 W1 M1 नहीं M1 क्या है भाई M1 इज ऑक्टेन सो M1 इज ऑक्टेन सो M1 अगर निकालना है तो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18 इसका मतलब 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 96 प्लस 8 दैट इज हाउ मच 104 चलो ये भी मिल गया हमको my mistake. Now, if you break down this, you will get W2 by M2 divided by W1 by M1 plus W2 by M2. Sabko formula mein put up karo. 100 minus 80 divided by P0 is vapor pressure of a solvent is equal to W2 nahi pata divided by M2. M2 is 40. Divided by W1 114 divided by 114 only plus W2 नहीं पता सॉरी पता है नहीं पता W2 नहीं पता M2 is 40 ठीक है अब W2 निकाल सकते हो 20 by 100 is equal to W2 by ये हो गया तुम्हारा 40 ये हो गया 1 plus W2 by 40 को भी नीचे ले आना सो देयरफॉर W2 कितना आएगा निकालो सबके पास है पॉज कर लो और W2 निकालो दैट विल बी योर आंसर चलो स्क्रीनशॉट भी ले लेना कितना आ रहा है टेल मी सो आफ्टर सॉल्विंग यू शुड गेट 10 ग्राम्स So that is numerical number 6. Let's go to now numerical number 7. Copy kar lo fatafat. Now let's go to numerical number 7. 7 mein dekhte hain kya hota hai. Now numerical number 7. Is talking about the solution contains 6.84 gram of sucrose in 500 grams of water. So W2 diya hua hai kitna hai W2 sucrose ka 6.84 grams. M2 C12H22O11 jab bhi chini khaoge weight yaad rakho bhulna nahi hai 342 grams in 500 grams of water. So M1 is equal to 500 grams. तो इसका W1 कितना हो गया भाई पानी है तो 18 ग्राम्स लिखो काम आएगा कि नहीं देख लेंगे व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है मतलब TF पूछ रहा है क्योंकि नॉट मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट ओके इफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज सो डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है कितना है आपको KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल तो सबसे पहले डेल्टा टीएफ निकाल लो क्यों तो ये अपने आप मिल जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बराबर है तो आई विल बी वन ओनली सो केएफ मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 हैज टू बी इन व्हाट केजी इसको सॉल्व करते हैं केएफ कितना है 1.8
1.8 ही है कि 1.86 है? 1.86 है इनटू W2 6.84 डिवाइडेड बाय M2 342. W1 हैज टू बी इन kg तो 0.5 ले लो भाई, और डेल्टा TF बोलो फटाफट निकालो और बोलो कितना आ रहा है फटाफट. सो डेल्टा TF आपका आना चाहिए 0.0744 केल्विन. अब डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एवरीवन नोज व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. मतलब यहाँ पे कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन. सो देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं? TF इज इक्वल टू 273 माइनस 0.0744, और दोनों को हमने माइनस किया तो मिलेगा समवेयर 272 पॉइंट समथिंग. दैट यू फाइंड आउट. और कभी कभी आपको 0 माइनस 0.0744 भी लिख सकते हो, तो आ जाएगा माइनस 0.0744, तब डिग्री सेल्सियस में रहेगा. राइट, सो दोनों में से कहीं पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, केल्विन में भी राइट मिलेगा एंड ऑल्सो इन डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज योर न्यूमेरिकल नंबर 7. देखो ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो. इफ एनी डाउट देन क्लियर इट. ओके, नाउ लेट्स गो टू न्यूमेरिकल नंबर 8. तो अब आप मेनली न्यूमेरिकल्स कर रहे हो बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. एक हमने किया वेपर प्रेशर का, अभी किया फ्रीजिंग पॉइंट. कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्वड इन 75 ग्राम्स एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ही हो गया. बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस KF इज गिवन टू यू. सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेम फॉर्मूला जो भी हमने किया. सो दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 8. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन kg. सीधा डेटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी सम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो. कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब ये निकालना है. एस्कॉर्बिक एसिड का मास दिया हुआ है कितना है? C6H8OH6. M2 है C6H8O6, 12 × 6 प्लस 1 × 8 प्लस 6 × 16. सॉल्व करना है इसको एंड वंस यू आर गोइंग टू सॉल्व टोटल शुड कम 176 ग्राम्स. बाकी सब डेटा में दिया हुआ है. डेल्टा TF बोलो कितना है? डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट मतलब वही हो गया 1.5. KF दिया हुआ है बोलो कितना है? 3.9. W2 निकालने का है. M2 मैंने आपके लिए निकाल दिया. W1 दिया हुआ है किसमें डिसॉल्व हुआ है? 75 ग्राम्स एसिटिक एसिड में, लेकिन ग्राम्स में है तो ऊपर क्या चला गया? 1000. सो W2 इज इक्वल टू सॉल्व करो 1.5 × 176 × 75 डिवाइडेड बाय 3.9 × 1000. चलो थ्योरी वालों के लिए, ISC वालों के लिए 2 मिनट फटाफट, एंड महाराष्ट्र वार्ड वाले लॉक से करो, कोई बात नहीं 5 मिनट लगेंगे. तो सो वेट ऑफ द सॉल्वेंट शुड कम 5.08 ग्राम्स सॉल्व करने के बाद. सो इजी सम बेस्ड ऑन डेल्टा TF अगेन, और डेल्टा TB भी होता तो भी यही फॉर्मूला है, खाली KB हो जाएगा. सो डज नॉट मैटर आप के डेल्टा TF के करो या डेल्टा TB के करो, दोनों में मैंने बताया था ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट KF एंड KB. अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे. 9 इज टेलिंग फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन. मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन हो गया TB इज इक्वल टू ?? एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन सो TF इज ऑल्सो इक्वल टू ?? Containing 0.52 grams glucose. दोनों में W2 सेम है.
0.52 ग्राम्स M2 ग्लूकोज का सबको मालूम है, C6H12O6 का भूलना नहीं है, कितना है 180 ग्राम्स, पहले से याद रहना चाहिए। एंड डिजॉल्व्ड इन 8.82 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब W1 इज 82.2 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो M1 कितना हो गया 18, अगर चाहिए होगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और KF और KB भी देख लेते हैं कितना दिया है। KF इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और KB कितना दिया है देखो, KB दिया 0.52 केल्विन पर मोलैलिटी भी लिख सकते हो। ठीक, अभी हमको एक बार मिल गया, पहले डेल्टा TB निकाल लो, उसके बाद अपने आप मिल जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। KB कितना है, KB मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन KG, और यहीं सामने करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय W1 इन KG। डेल्टा TB नहीं मालूम, कोई बात नहीं। KB कितना है 0.52, वो ध्यान से देखना, इंटू W2 दोनों का सेम है 0.52, W2 के बाद M2 दोनों का सेम है, कितना है 180 आएगा, और यहाँ W1 भी दोनों का सेम रहेगा 82.2 किलोग्राम्स में है, तो ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं इंटू 1000। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 1.86, W2 0.52 मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा, क्यों, लेफ्ट से अभी मालूम पड़ गया, डिवाइडेड बाय 180 इनटू 82.2। चलो डेल्टा TB निकालो और डेल्टा TF निकालो और बताओ कितना आ रहा है, फिर आगे का पार्ट बहुत इजी है। चलो फास्ट, सो डेल्टा TB आना चाहिए 0.0182 एंड डेल्टा TF आना चाहिए 0.065। एवरीवन नोज व्हाट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, TB माइनस TB नॉट, और यहाँ डेल्टा TF का फॉर्मूला भी लिखाया था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन निकालना है, सो TB इज इक्वल टू डेल्टा TB प्लस TB नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा क्या निकालने का है, ये निकालने का है, तो TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF। चलो बॉइलिंग पॉइंट सबको मालूम है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सो 100 प्लस दिस आंसर आ गया। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट कितना होता है, 0.0 माइनस 0.065। सो बोथ द आंसर्स शुड बी क्लियर टू एवरीवन, सो बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आई होप इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पे आ जाएगा आपका 0 माइनस 0.065, और यहां पे आ जाएगा आपका 100 प्लस कितना है, टीबी नॉट कितना है, डेल्टा TB प्लस TB नॉट ने, सो डेल्टा TB आया 0.0182 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, सो माइनस एंड 100.0182। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन। Any doubts? And there on WhatsApp, आराम से पूछ सकते हो, और इसका मैं सॉल्यूशन भी भेजूंगा लिख के, बट यहां से समझ के अपने आप करोगे, देन यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन दिस चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, स्पून फीडिंग न्यूमेरिकल्स दे आर, एक्सेप्ट फ्यू जहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है, अदरवाइज इजी। लेट्स गो टू लास्ट वन फ्रॉम दिस स्लॉट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज 99.63। ओके, so how much sucrose is to be added to 500 grams of water such that it boils at 100 degrees Celsius? Okay, molar elevation constant for water is given to you, fine. So सबसे पहले
वी हैव टू नो दैट डेल्टा टी बी क्या होता है. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मेनली द के बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टू बाय एम टू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू वन इन के जी. अब देखते हैं डेटा में क्या क्या दिया हुआ है आपको. डेटा में सबसे पहले देखते हैं डेल्टा टी बी दिया हुआ है. डेल्टा टी बी इज गिवन टू अस और नॉट. सो 99.63 और 100. सो 100 में से 99.63 कर दो. दैट इज कमिंग हाउ मच. दैट इज कमिंग 0.37. उसको केल्विन में ही रखो क्योंकि यार केल्विन में करोगे तो भी वही आएगा. डिग्री सेल्सियस में करोगे तो भी वही आंसर आएगा. ये हो गया तुम्हारा 0.37. के बी दिया है. के बी इज 0.52. ओके आई थिंक वेट निकालना है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड. यस सुक्रोज का वेट आज ही बताया. C12H22 O11 कितना होता है 342 और ये हो गया 0.5. W2 निकालो. योर आंसर विल कम एंड बोर्ड पे डालता हूँ. चेक करो फटाफट कितना आ रहा है. सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 122 ग्राम्स. सो दैट इज फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 6-2 एंड आई होप इज क्लियर टू एवरीवन. सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. 1 2 3 4 5